हेलो गाइस, दिस इज लक्ष्य एंड आप देख रहे हो एलरॉन द गोल्डन रिट्रीवर यूट्यूब चैनल। तो भाई आज ये पहली वीडियो है हम और ये रहा मेरा डॉग एलरॉन द गोल्डन रिट्रीवर। ये बेसिकली ये 4 महीने का है और हम लोगों ने सोचा बल्कि एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं और स्ट्रीट डॉग जिन्हें खाना नहीं मिलता है तो जितना भी इससे अर्निंग होगी उसका 10 या 20% हम स्ट्रीट डॉग की हेल्प में लगाएंगे। तो चलिए आज की इंट्रोडक्टिव वीडियो थी कि हम लोग हैं कौन। ये हमारा एलरॉन और मैं लक्ष्य, आई एम अ स्टूडेंट, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस से और बेसिकली ये गोल्डन रिट्रीवर है। मुझे गिफ्ट मिला था, पहले तो मुझे डॉग पसंद नहीं थे, जब से ये आया है। आप मान के चलिए आपके घर में कभी लड़ाई या दुख कभी नहीं होगा, ये आप लोगों को हंसाता रहेगा गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड अगर लाते हैं तो। और चलिए आप बात कर लेते हैं, ये खाता क्या है, खाते क्या हो बताओ। बेसिकली ये वहाँ से किचन में आ गया और लगता है इसको भूख लगी होगी, पर डॉग को 2 टाइम ही खाना दीजिए क्योंकि अगर उससे ज़्यादा आप देते हैं तो ये पतले रहेंगे। ये नहीं सोचिए कि इंसान की तरह है कि ज़्यादा खिलाएंगे तो ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। 2 टाइम लिमिट में खाना दीजिए और अच्छा खाना दीजिए, जैसे कि चावल, या मैं देता हूँ उसको रोल्स का फोकस। तो ये मैं किचन की साइड में रखे हूँ अपने। ये सोयाबीन की बरी है और इसमें भी शायद कुछ और है डॉग का, पता नहीं, सोयाबीन की बरी इसमें भी है शायद। तो ये इतना स्टॉक रहता है, ये मल्टीविटामिन रहता है जो खाने में एक बार डाल देता हूँ मैं क्योंकि ये ऐसे नहीं खाता है। बात कर लेते हैं कि ये 4 महीने में इसने सीखा क्या क्या। तो इसका नाम एलरॉन, इसने कम से कम 1 महीना लगा इसे समझने में। हाँ थोड़ा टफ नाम था पर अच्छा नाम था, यूनिक नाम था। सेट करने पर ये बैठ जाता है और हैंडशेक करने पर ये हैंडशेक करता है। देखिए एलरॉन हैंडशेक, ये बड़ी, ये बड़ी 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 बड़ी। तो ये हैंडशेक कर लेता है, लेट जाता है। ये लेटा इसलिए है, या तो इसने कुछ ना कुछ गलत काम किया है तो डर की वजह से लेटा। ये आपको अपने कुत्ते के अंदर बनाना पड़ेगा, यानी कि डॉग कुत्ता कहना मतलब आप गलत मत समझिएगा, गाली भी होती है, बट मैं इन द सेंस कहना चाहता हूँ क्योंकि एलरॉन माय फेवरेट बडी। तो ये इसने कुछ गलत काम किया है या ये सैड है, तो सैड तो बिल्कुल नहीं है, इसको भूख लगी है, खाना चाहता है और इसने बाहर जाके या तो कुछ कीड़ा खा लिया है या तो कुछ और खाया है कचरा, इसलिए वो लेटा हुआ है। तो चलो इसे जल्दी से खाना देते हैं। पता लग चुका है मैंने रोल्स निकाल लिए हैं। फोकस थोड़ा महंगा आता है बट ठीक है डॉग के लिए। और किचन को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरे घर में अभी साफ सफाई नहीं हुई है। देखिए गिरा है, ये सूंघेगा नहीं, ये थोड़े बेवकूफ टाइप के डॉग रहते हैं। ये रहा एट वन एलरॉन, दिस रन, ये ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा, ये खेलेंगे आपके साथ। ये इसका यहाँ से गैलरी से ये इसका पूरा एरिया है, गार्डन भी इसकी वजह से। ये घास पूरी सूख गई है इसकी पॉटी की वजह से। चलो कोई ना, चलता है इतना। तो अभी पतझड़ का सीज़न है तो पत्ते वगैरह गिर रहे हैं और ये पॉटी वगैरह यहाँ कर लेता है। मैंने एक से पूछा था तो उसने कहा कि अपने गार्डन में अलग से बना दो, ये एरिया तो पॉटी करेगा, बट ये यहाँ पे सूसू करता है, पॉटी नहीं करता है। वो पॉटी करता है, ये अपना बैठता है जहाँ पे बैठता है वहाँ पे, यहाँ पे कर देता है पॉटी। और ये मेरे को पकड़ रहा है और आज सुबह सुबह ही मम्मी से मार पड़ी है इसको क्योंकि इसने झाड़ू तोड़ दी है, वहाँ पे रखी थी, इसने कूलर को हिला हिला के झाड़ू नीचे गिरा दी और बदमाश ने झाड़ू तोड़ दी। चलो इसे खाना देते हैं। ये इसका बेड है जो कि इसने, इसकी एक आदत है अपने बेड पे ही सूसू कर देता है, तो हर हफ्ते बेड धुलना पड़ता है इसका। चलो इसको खाना देते हैं। अब आप कहेंगे कि इसे उसमें क्यों नहीं खाना दिया, तो बेसिकली उसमें मैंने पानी रखा हुआ है, इसकी बाल्टी इसने तोड़ दी है और ये इसका कूलर के बगल में पानी है क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं। तो मैं अपने रूम में ही इसे लेता हूँ, बैठाता हूँ, यहाँ बैठा रहता है, पंखा चलता है, भौंक देता है। तो अपना इसमें ही रखिए, ज़्यादा टाइल्स में 24 घंटे मत रखिए, कच्चा सरफेस भी रहने दीजिए। और पानी गर्मियों में इसमें रखिए, इन्हें ठंडक मिलती है क्योंकि डॉग का टेम्परेचर अपने टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा होता है। एलरॉन कम ऑन, पानी पी लो, पानी पानी पानी। ये बड़े ही फ्रेंडली होते हैं ये, अगर आपको भी लेना है तो आप किस
स्ट्रीट डॉग या गोल्डन रिट्रीवर ही लेना है तो किसी से एडॉप्ट कर लीजिए, या आप खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए। मुझे तो गिफ्ट मिला था, ये देखिए कितना प्यारा है। और हाँ, शुरुआत में इनकी प्रॉब्लम रहती है, काटते हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं बताता जाऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हे एलरॉन, क्या करना है? एलरॉन सिट 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 सिट। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरी वीडियो को अच्छी लगी हो, और थैंक यू, बाय बाय। तो एलरॉन ने भी बाय बाय कर दिया है, तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।